दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme X Pro के बारे में, जो कि Realme का एक और बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन होने वाला है, जिसमें कि Snapdragon के 855 का प्रोसेसर, 32 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और 15 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में और क्या होने वाला है इसका कन्फर्म स्पेसिफिकेशन और इंडिया में इस स्मार्टफोन को कब तक और कितने प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें अगर स्मार्टफोन की बिल्ड और डिजाइनिंग से, तो दोस्तों Realme X Pro में ग्लासबैक का डिजाइन देखने को मिलने वाला है Realme XT के जैसा ही, जो कि आने वाला है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ। और उसके साथ ही स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। एंड वही बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है 6.4 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल, जो कि आने वाला है 90 GHz के रिफ्रेश रेट के साथ। और उसके साथ ही स्मार्टफोन के फ्रंट साइड में ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ ही बात करें सेल्फी की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल्स का पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। और फाइनली बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन के 855 का प्रोसेसर, जो कि बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर माना जाता है। एंड प्रीवियस स्मार्टफोन रेडमी K20 प्रो में हमें देखने को मिला था, तो दोस्तों प्रोसेसर के मामले में स्मार्टफोन काफी बेहतरीन होने वाला है। एंड फाइनली बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की रियर साइड की कैमरास की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा, जहां प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का होने वाला है। और उसके साथ ही 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस और उसके साथ ही 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। और वहीं बात करें स्मार्टफोन की बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में, जो कि आने वाला है 15 वॉट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। एंड फाइनली बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट अंडर 20,000 rupees के करीबन देखने को मिलने वाला है इंडिया के अंदर, जो कि होने वाला है 4GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। एंड बात करें रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन को दिसंबर के महीने तक इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ कन्फर्म स्पेसिफिकेशन, जो कि मैंने इस वीडियो में आपके संग शेयर किया है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।